की सिर्फ चार स्टेजेस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप गुजरती हैं, जिन्हें जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली स्टेज संकेत क्लू, दूसरी स्टेज लालसा क्रेविंग, तीसरी स्टेज प्रतिक्रिया रिएक्शन, चौथी लास्ट स्टेज पुरस्कार रिवार्ड। ये चारों स्टेजेस सभी हैबिट्स की रीढ़ की तरह होती हैं। हम सबका दिमाग एवरी टाइम इन्हीं स्टेजेस से गुजरता है। इन सभी स्टेप का किंग चौथी स्टेज रिवार्ड है। यही अगली तीनों स्टेप्स को करने के लिए मजबूर करता है। चाहे आदतें अच्छी हों या बुरी हों, सभी हैबिट्स पर ये नियम लागू होता है। सबसे पहले संकेत क्लू मिलता है। क्लू का अर्थ है वह इन्फॉर्मेशन जो मिलने वाले रिवार्ड से संतुष्टि महसूस कराता है। हमारा दिमाग हर जगह क्लू खोजता है कि कहां पर रिवार्ड मौजूद है। संकेत हमें मन ही मन रिवार्ड से मिलने वाली संतुष्टि को महसूस कराता है। फिर दूसरी स्टेज उसे पाने की लालसा आती है। लालसा का अर्थ है इच्छा। हम सब आदत डालने की लालसा क्रेविंग नहीं रखते, हम सब तो स्टेज में चेंजेस करने की लालसा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने की लालसा नहीं रखता, वह तो इससे मिलने वाली राहत रिवार्ड की लालसा रखता है। हर किसी की लालसाएं अलग अलग होती हैं। कोई भी संकेत क्लू इन्फॉर्मेशन लालसा जगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जुआरी की लालसा स्लॉट मशीनों की आवाज के संकेत क्लू से ही जुआ खेलने के लिए जाग सकती है। एक मेरी मिट्टी खाने की बुरी आदत का उदाहरण, मेरे घर के बाजू में खुशक चट्टानों के टुकड़े पड़े हैं। वहां मैं नल में पाइप लगाने के लिए अक्सर जाती हूँ, क्योंकि पाइप के जरिए पानी आसानी से मेरे घर तक आ जाता है, बार बार बाल्टियों से भरने की अपेक्षा। वहां पाइप लगाने के और वहां से गुजरने के संकेत से मेरी मिट्टी खाने की लालसा जाग जाती है। ये बुरी आदतें हैं। बुरी आदतों को कैसे हटाएं, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद तीसरी स्टेज प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। इसका अर्थ है कुछ करना। ये किसी आइडिया या वर्क का रूप ले लेती है। आप रिएक्शन करेंगे या नहीं, यह इस बात पर डिपेंड है कि आप कितने इंस्पायर हैं, आप अपने रिवार्ड से मिलने वाली संतुष्टि से कितने प्रेरित हैं, ताकि आप रिवार्ड पाने के लिए कुछ रिएक्शन करें। चौथी स्टेज रिवार्ड प्रतिक्रिया के बाद मिलता है। रिवार्ड हर आदत का लास्ट गोल है। हम सब रिवार्ड इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये हमें संतुष्टि देते हैं और हमें सिखाते हैं। पुरस्कार का पहला उद्देश्य, रिवार्ड मिलने से हमारी लालसा को संतुष्टि मिलती है। पुरस्कार का दूसरा उद्देश्य, यह हमें सिखाते हैं कि आगे फ्यूचर में कौन से काम याद रखने लायक हैं। हमारा दिमाग पुरस्कार खोजने वाला यंत्र है। जीवन भर हमारा दिमाग पुरस्कार पाने के क्लू पर लगातार निगरानी करता है कि किन कामों से आपकी लालसा इच्छा को संतुष्टि होती है और आपको आनंद मिलता है। इन्हीं चारों स्टेजेस का चक्र आदतें बनाता है और आदतों का चक्र चलता रहता है। यदि रिवार्ड हम सबकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो हम सबके पास इसे फ्यूचर में दोहराने का कोई रीजन नहीं होगा। पहली तीन स्टेजेस के बिना एक्टिविटी होगी ही नहीं, चौथी स्टेज के बिना एक्टिविटी दोहराई नहीं जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आदतें कैसे काम करती हैं।